क्रेव किचन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको सिंपल और इजी वे से काजू पान बनाना सिखाऊंगी। इस तरीके से आप इसे बनाओगे तो 100% आपका काजू पान अच्छा बनेगा। तो चलिए जल्दी से बनाते हैं काजू पान। रेसिपी शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को प्रेस करें। सबसे पहले हम काजू पान के लिए स्टफिंग बना लेते हैं। तो ये मैंने काजू को बिल्कुल इस तरह से बारीक चॉप कर लिया है और ये मैंने 2 बड़े चम्मच लिए हैं। इसी के साथ मैंने यहाँ पर डेसिकेटेड कोकोनट लिया है, 1 टेबलस्पून हम ये डाल रहे हैं। साथ ही में मैंने यहाँ पर 2 बड़े चम्मच गुलकंद के लिए हैं, तो ये हम इसमें ऐड करते हैं। और इसमें फ्रेंड्स हम थोड़ा सा पान एसेंस डालने वाले हैं। ये इस तरह से पान का एसेंस मार्केट में मिलता है, ये ऑप्शनल है फ्रेंड्स। और ये साथ में मैंने इस तरह से सिल्वर और गोल्डन जो है बीड्स लिए हैं, सिल्वर बॉल्स हैं ये, तो ये हम गार्निशिंग के लिए यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये तीनों चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं। तो ये देखिए, ये हमारी स्टफिंग रेडी हो गई है। तो चलिए अब काजू लेते हैं और उससे हम बनाते हैं अपने मिठाई का डो। काजू पान बनाने के लिए मैंने इस तरह से 1 कटोरी का माप लिया है। तो ये 1 मैंने कटोरी भर के ली है और वजन से देखा जाए तो ये 125 ग्राम है। और इसे हमने क्या करना है, अच्छे से वॉश करना है और गर्म पानी करके उसके अंदर इसे सोक करके रखना है हमने 2 घंटे के लिए। तो मैंने पहले ही इसे इस तरह से पानी में भिगो के रख दिया था। 2 घंटे हो गए हैं इसे भिगोए हुए। तो चलिए इसे पानी में से अलग कर लेते हैं। काजू को मैंने छान लिया है और यहाँ पर हमने चेक कर लेना है कि इस तरह से अगर देखिए काजू के ऊपर छिलका वगैरह है तो उसे हमने निकाल लेना है। सारे काजू को हमने साफ कर लिया है, तो चलिए अब इसे हम पीस लेते हैं। सारा काजू मैंने मिक्सर में डाल दिया है और इसमें अब हम 4 चम्मच पानी की डालेंगे ताकि काजू जो है वो अच्छे से पेस्ट बन के तैयार हो जाए। इसे पीस लेते हैं, पीस के देखते हैं। अगर ये नहीं पीसा जाए तो हम इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड करेंगे। एक बार इसे मैंने इसे घुमा लिया है तो ये देखिए ये पीसा नहीं जा रहा है, तो हम इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड करेंगे। तो मैं 3 चम्मच इसमें और पानी की ऐड कर रही हूँ। इसे फिर से पीस लेते हैं। काजू की बहुत अच्छे से एक पेस्ट बन गई है। तो हमने टोटल इसमें पहले 4 चम्मच डाले थे और बाद में फिर से हमने 3 चम्मच डाले हैं। और मैंने ये बड़ी वाली चम्मच यूज़ की है, ये टेबल स्पून है। तो इतना पानी यूज़ हुआ है और हमारी ये पेस्ट बनके जो है तैयार हो गई है। फिर भी हम इसे एक बार स्ट्रेनर से छान लेंगे ताकि इसमें कोई महीन टुकड़े रह गए हों तो वो भी निकल जाए। जिस कढ़ाई में मैंने आज काजू पान बनाना है मैं उसी में स्ट्रेनर रख के इसे छान लेती हूँ। तो सारा जो हमने पीसा है काजू को वो मैं निकाल लेती हूँ। पहले सारी काजू की पेस्ट को हम छान लेते हैं। इस तरह से हमने सारी पेस्ट को छान लिया है। काजू की पेस्ट में अब हम शक्कर ऐड करेंगे। तो शक्कर भी जो है हम यहाँ पर बड़े चम्मच ले रहे हैं, तो यहाँ पर मैं 10 बड़े चम्मच शक्कर की ऐड करूँगी। शक्कर डाल के हम दोनों चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं। और चलिए अब इसे हम गैस पे रखेंगे पकाने के लिए। गैस को हम कर लेते हैं ऑन और दोनों चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स करके लगातार चलाते हुए इसे हम पकाते जाएंगे। हमने गैस की फ्लेम जो है वो भी मीडियम रखनी है, हाई फ्लेम पे हम इसे नहीं पकाएंगे। जैसे ही शक्कर मेल्ट होगी ये थोड़ा सा और पतला हो जाएगा, उसके बाद ये गाढ़ा होना शुरू होगा। यहाँ पर आप देख सकते हो शुगर जो है वो मेल्ट हो चुकी है और ये काफ़ी पतला हो गया है। तो यहाँ पर हम 1/4 चम्मच पाउडर कलर का यूज़ कर रही हूँ मैं इसमें ग्रीन कलर ऐड कर रही हूँ और इसे हम मिक्स कर लेते हैं। दोस्तों मुझे यहाँ पर कलर जो है काफ़ी लाइट लग रहा है, तो मैं थोड़ा सा पाउडर कलर इसमें और ऐड करती हूँ। मिक्स कर लेते हैं और अब इसका कलर जो है बिल्कुल परफेक्ट हो गया है। मैंने अपने चैनल पे फ्रेंड्स काजू कतली की रेसिपी भी अपलोड की हुई है, तो मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, वो भी आप वहाँ पर जाके देख सकते हो। यहाँ पर हमारा बैटर जो है काफ़ी थिक हो चुका है, तो इस स्टेज पे हम क्या करेंगे, यहाँ पर 1/2 टीस्पून हम इसमें डाल देंगे घी और इसे हम फिर से मिक्स कर लेंगे। ये पूरा साइड्स को अब छोड़ रहा है, बस ये बनने ही वाला है।
यहाँ पर हमारा डो जो है बिल्कुल तैयार है, तो इसे चेक करने के लिए कि ये बना है कि नहीं, हम क्या करेंगे, थोड़ा सा जो है इसे प्लेट में निकाल लेंगे, थोड़ा इसे ठंडा करेंगे, उसके बाद इसे हम चेक करेंगे कि इससे गोला टाइप इस तरह बनता है कि नहीं। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर गैस की फ्लेम जो है बंद कर दी है, क्योंकि ये देखिए हमने जो ये निकाला था ये इस तरह से गोला बन के तैयार हो गया, यानी हमारी बर्फ़ी अब सेट होने के लिए तैयार हो गई है। तो हम क्या करेंगे, इसी तरह इसे कढ़ाई में थोड़ा सा फैला देंगे और इसे हम थोड़ा ठंडा कर लेंगे। बैटर यहाँ पर थोड़ा थोड़ा ठंडा हो चुका है, तो इसे हम क्या करते हैं, अब इकट्ठा कर लेते हैं और इसे हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। सारे बैटर को मैंने निकाल लिया है प्लेट में और इसे हम गरम में ही थोड़ा सा इस तरह से मसल लेंगे और इसे हम थोड़ा सा सॉफ्ट कर लेंगे। वार्म जब है तभी आपने ये प्रोसीजर करना है। इकट्ठा करके हम एक बॉल बना लेते हैं। तो यहाँ हमारा डो जो है काजू कतली का बिल्कुल अच्छे से रेडी हो गया है। तो चलिए अब देखते हैं इससे हम पान कैसे बनाएंगे। काजू पान का हमारा डो बिल्कुल रेडी है, बहुत ही अच्छा बना है ये। तो इसे अभी हम बेलेंगे। ऐसे मैंने प्लास्टिक की एक शीट ली है जिसे मैंने अच्छे से साफ कर लिया है और इसे मैं ग्रीस कर लूँगी थोड़ा सा घी के साथ, ताकि हम जब इसे बेलेंगे तो हमारी जो काजू कतली है वो इसके ऊपर स्टिक ना हो। इसके ऊपर हम रखेंगे ये जो हमने डो बनाया है, और इसके ऊपर फिर से हमने एक दूसरी शीट रखनी है। तो इसे भी मैंने क्या किया है, इस तरफ ग्रीस कर लिया है। तो चलिए इसे रखते हैं, थोड़ा सा इसे दबाते हैं और बेलन की सहायता से हम क्या करेंगे, इसे बेल लेंगे। तो शीट को घुमाते हुए हमने पूरी तरह से इसे बेल लेना है। जैसे हम पराठा बनाते हैं उतना थिक हमें इसे बनाना है। ये आराम से बेला जाता है। अगर आपका डो जो है परफेक्ट बना है तो इसे बेलने में बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होती है। तो इस तरह से इसे हमने बेल लिया है। इसे हमने पराठे और पूरी के जितना मोटा बेला है, तो ऊपर से हम इसका कवर निकाल देते हैं और इस पीस को हम अब स्क्वायर में कट कर लेंगे। तो साइड में जो एक्स्ट्रा है उसे हम कट कर लेते हैं। साइड्स में जितने भी एक्स्ट्रा थे उसे कट करके हमने इसे स्क्वायर इस तरह से बना लिया है। और अब हमने क्या करना है, इसके छोटे छोटे स्क्वायर पीस कट करने हैं। तो हम इक्वल इसे डिवाइड करके फिर इसे कट कर लेंगे। तो ये एक्स्ट्रा है इसे मैं पहले ही कट कर देती हूँ। तो ये देखिए, पहले हम इसे पूरी तरह से सीधा ले जाते हैं, यहाँ से भी हम इसे ऐसे इसे टर्न कर लेते हैं और हमने बिल्कुल इसके स्क्वायर पीसेस कट करने हैं। तो ये देखिए, अब हम क्या करेंगे, एक इसका पीस उठा देंगे। आप देख सकते हो इसकी थिकनेस हमने इतनी रखी है और हम इसे इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। यहाँ से इसे थोड़ा दबा देंगे और इसके अंदर हमने जो स्टफिंग बनाई है ये देखिए, इसका शेप इस तरह से बन गया है बिल्कुल पान के शेप का। तो अब इसके अंदर हम जो स्टफिंग बनाई है वो डाल देते हैं। ये देखिए, आप देख सकते हो फ्रेंड्स, इसी तरह से मैं क्या करती हूँ, एक और बना लेती हूँ। हमने सिंपली क्या करना है, यहाँ से यहाँ फोल्ड करना है, इस तरफ मोड़ना है और इधर का जो है इसके साथ लेके नीचे से हम इसे जोड़ देंगे। यहाँ से थोड़ा सा प्रेस करेंगे ताकि ये एक दूसरे के साथ स्टिक हो जाए। और ये देखिए, हमारा शेप बिल्कुल पान का बन के तैयार हो गया है। इस तरह करके बनाने से क्या होता है, सारे हमारे जो हैं इक्वल शेप के बनेंगे और एक साथ हमने इतने सारे बेल लिए हैं। तो चलिए इसमें भी हम भर लेते हैं स्टफिंग को। इसके ऊपर अब हम सिल्वर का वर्क जो आता है वो लगाएंगे, साथ में थोड़ा सा हम इसे गार्निश करेंगे ऊपर से, और ज़्यादा ही कलरफुल दिखेगा। इस तरह से मैं सारे पान जो हैं उन्हें बना लेती हूँ। सारे काजू पान को मैंने बना लिया है और अब इसे हम गार्निश करेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मेरे पास चांदी का वर्क है और इस तरह से हम काजू पान को उठा लेंगे और ये हम इसके ऊपर स्टिक कर देंगे। बहुत ही आसानी से इस तरह से हम इसे लगा सकते हैं। चांदी का वर्क लगाने के बाद हम क्या करेंगे, इसे थोड़ा सा ऊपर से भी गार्निश कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर कुछ गोल्डन और सिल्वर बॉल्स लिए हुए जो मैं इस तरह से इसके ऊपर थोड़े से डाल देती हूँ।
आप किसी भी, आपके पास कोई टॉपिंग है केक की तो उससे आप इसे डेकोरेट कर सकते हो, या फिर इस तरह से गुलाब की पत्तियां हैं तो वो भी आप इसके ऊपर थोड़ा सा डाल सकते हो। साथ ही में ये देखिए मेरे पास इस तरह से भी एक स्प्रिंकलर है स्टार शेप का, तो मैं इसके ऊपर ये थोड़ा सा लगा देती हूँ। और ये देखिए हमारा बढ़िया सा काजू पान यहाँ पर रेडी हो गया है। इसी तरह से हम क्या करते हैं, सारे काजू पान को गार्निश कर लेते हैं। सारे काजू पान मैंने यहाँ पर रेडी कर दिए हैं फ्रेंड्स, आप देख सकते हो ये दिखने में भी कितने बढ़िया दिख रहे हैं और टेस्ट तो इसका बहुत ही लाजवाब है। तो इस फेस्टिवल सीजन आप भी इसे बनाएं घर में, घर में बनाते हैं तो सारी चीज़ें हम अच्छी यूज़ करते हैं। दोस्तों आपको मेरी ये काजू पान की रेसिपी कैसे लगी है मुझे ज़रूर बताना। रेसिपी पसंद आए तो फ्रेंड्स एक लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। जल्दी फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ।